यार गाइस कैसे हो। वेलकम बैक टू अवर चैनल सच्चे गेमिंग गाइस। यार बहुत दिनों बाद एक वॉइस वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि यार मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसमें वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ तो गेम का साउंड बिल्कुल ही चला जाता है, तो इसलिए आजकल वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। और आज की वीडियो डेली मतलब नॉर्मल जो वीडियोस आती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यार और इसमें वॉइस डालना थोड़ा मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि यार हमारे जैक भाई ने हमें फेल दिया पकड़ के। यार अगर आप सोच रहे हो जैक कौन है, तो यार जैक मेरा क्लैन मेट है एक सीओडी का, जिसके साथ मैं आजकल खेलता हूँ। हमारा जो बीआर स्क्वाड होता है उसका उसमें भी हम साथ खेलते हैं। और इस वीडियो में जो आपको ये दिख रहा है, ये जिसने मेरे को अभी स्नैप किया, मौका देखते ही चौका मारा, ये वही जैक है। हुआ क्या था गाइस, मुझे अपने चैनल का नया इंट्रो बनाना था जो कि आपने भी देखा। ये मैं फिर से प्ले कर देता हूँ। हाँ ये वाला, ये जो चल रहा है ये इंट्रो है, बताना कैसा लग रहा है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन पिछला वाला जो था वो वेबसाइट से मैंने एनिमेटेड बना लिया था अपना नाम डाल के। अब ये वाला मैंने खुद बनाया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी खुद का बनाया हुआ है। वीडियो में मैं यही ट्राई कर रहा हूँ बार बार, मतलब एक शॉट लेने की ट्राई कर रहा हूँ, जो कि मैं सो जा रहा है मुझसे। और इससे पहले भी मैं एक आध घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था जिसमें कि एक ही गलती हो रही थी, मैं स्कोप इन करके होल्ड नहीं कर पा रहा था, बार बार स्कोप आउट कर दे रहा था। तो फिर जैसे ही हुआ मैंने अपने जैक ब्रो को मैसेज किया कि भाई डन हो गया है, परफेक्ट शॉट मेरे को जो लगता है, ताकि हम अपना गेम कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि यार जैक बहुत परेशान हो गया था मेरे साथ बार बार मर मर के। और यार दिक्कत थी कि यार मैं खड़े हुए जैक को शॉट लेने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कि अगर वो मूव कर रहा होता ना तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो खड़ा हुआ था तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं क्यों। अब आप बोलोगे जैक खड़ा ही हुआ क्यों होता, उसको मूव करते रहना चाहिए था। तो भाई दिक्कत मतलब हमें पे जो पीछे वॉल है उसके वो उस वो चाहिए थी, उस पर मुझे एडिट करना था, क्योंकि वही एक प्लेन सरफेस मिली थी मेरे को। और फिर कोशिश करते करते भाई बहुत सारे शॉट्स मिस हुए भाई, आजू बाजू सर के बाजू में से मिस हो रहे थे शॉट्स। ये वाले देखो, ये वाले शॉट्स देखो, बाजू बाजू में से मिस हो रहे थे। ये वाला नहीं, मतलब इसके बाद वाला, ये देखो ये रखा, ये मिस हो गया भाई, सर के ऊपर लगी गोली। ये एक और, ये भी, ये बाजू में मिस हुई सर के ऊपर से, ये भी मिस हुई। ये मिस होने की दो तीन वजहें थी, एक तो भाई मैंने बिल्कुल मोबिलिटी बढ़ा के रखी थी, गन की एक्यूरेसी बिल्कुल कम करके रखी थी, उससे एम असिस्ट थोड़ा कम हो जाता। और ये था परफेक्ट शॉट जिसको मैंने एडिट करके इंट्रो बनाया। उसके बाद मैंने जैक को मैसेज कर दिया डन, कि अब अपन अपना गेम स्टार्ट कर सकते हैं भाई, आ जाओ। और ये जैक को भी फेल लिया मैंने यहाँ पे, हाय हाय मज़ा आ गया। उसके बाद ये हमारे जैक भाई आते ही, और ये पट से लॉन्ग शॉट, हेड शॉट नहीं पड़ा, लेकिन हेडशॉट भी लिए हैं भाई मैंने इसमें लॉन्ग लॉन्ग, वो भी देखना अभी। और मेरे गेम प्ले में आपको एक चीज़ और दिखेगी यार, मेरा कॉर्सर जो है, एपायर कॉर्सर, वो कभी कभी थोड़ा घूमने लग जाता है, हिलता रहता है, वो इसलिए क्योंकि यार मैं स्कोप इन का बटन तो दबाता हूँ लेकिन स्कोप इन होता नहीं है, तो मैं स्कोप इन करके निशाना लगाने की कोशिश शुरू कर देता हूँ लेकिन स्कोप इन होता ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत कॉर्सर घूम जाता है ऐसे। और ये भाई ये ले लिया जैक भाई ने अपना शॉट, कोई बात नहीं अभी इसको पेलते हैं। रुको जैक भाई रुक जा, अभी आके तेरे को पेल रहा हूँ। और लोकस है मेरे पास, मैं लोकस यूज़ कर रहा हूँ, और लोकस में क्या है कि चेस्ट के ऊपर ही शायद शॉट में वन शॉट किल देता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मेरे साथ मैं नीचे शॉट ले लेता हूँ, बेचारा जैक, बेचारा नहीं बच जाता है जैक, बेचारा नहीं है जैक भाई, गन उठा रहा था यार मैं, यार गलत बात है यार जैक। ये वाला शॉट देखो भाई, ये शॉट देखो, ये शॉट लिया मैंने भाई, उसकी हेल्थ देखो, हेल्थ देखो कितनी कम हेल्थ थी यार, फिर भी बच गया वो। वो भाई वहाँ पे घूम रहा है, चुपके से जाके पेल लूँगा। रुको रुको रुको, शॉट लेता हूँ। अबे लग जा, अरे लगना, आहा मजा आया, ये होता है मजा आया, मजा आया भाई। ये शॉट देखो, पता नहीं कहाँ दूर शेर से भाई, भाई दूर शेर से नजर रख के बैठा मुझ पर, रुक जाओ इसको खेलता हूँ। मतलब वैसे क्या बोलूँ, अब देख लो यार आप ही, चाहता तो मैं था उसे पेलना, लेकिन भाई जैक हमसे ज्यादा प्रो है।
यार यार कैसे शॉर्ट मिस हो रहे यार मेरे, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा भाई। और यहाँ पे जैक भाई ने पेल दिया और अब मैं पेलूंगा। ये ले भाई, आया मजा। मजा आया। तो यार एक काम करते हैं, जैक की डीएल क्यू लेते, क्योंकि यार डीएल क्यू क्या है, वन शॉट किल देती है, अगर पेट पे भी लगे तो भी वन शॉट देती है। और मेरी यार यहाँ पे क्या है, मेरे कंट्रोल थोड़े फकअप हो रहे थे, क्योंकि यार थोड़े मैंने कंट्रोल चेंज किए थे अभी। ओपेसिटी बिल्कुल कम की थी क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना था, और थोड़ी पोजीशन भी चेंज की थी कि स्क्रीन के बीच में ना आए। तो यार थोड़ा वही फकअप हो रहे थे, तो क्या बहाना तो नहीं, वैसे बहाना नहीं है, लेकिन यही हो रहा था मेरे साथ। मैं स्कोपिन कर रहा था तो जंप कर रहा था, जंप कर रहा था तो साला क्राउच कर रहा था, क्राउच कर रहा था तो स्कोपिन हो रहा था। यही सब चीज़ें हो रही थी यार, बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अपन ने जैक को बहुत पेला। और इस गेम में हम लोग हार्ड पॉइंट खेल रहे थे, क्योंकि हार्ड पॉइंट में क्या है, मतलब किल्स की लिमिट नहीं रहती है, और मुझे जो इंट्रो बनाना था उसके लिए मतलब कोई लिमिट की वैसे फिर गेम एंड ना हो जाए, इसलिए मैं हार्ड पॉइंट चूज़ किया था प्राइवेट मैच में। और भाई मेरे दिमाग से एक चीज़ निकल गई थी कि भाई हार्ड पॉइंट में किल्स का स्कोर नहीं होता है, अपने हार्ड पॉइंट कितनी देर कैप्चर किया उसका स्कोर होता है। और यार बहुत लोग यार कमेंट कर रहे हैं कि यार मैं जो रील्स डाल रहा हूँ, मैं जो गेम पे डाल रहा हूँ, मैं जो न्यूक के वीडियो डाल रहा हूँ, कि यार मैं उसमें बॉट्स को किल कर रहा हूँ। तो यार भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तू किसको बता रहा है? तू मेरे को बता रहा है या तू जो लोग कमेंट पढ़ने आ रहे तू उनको बता रहा है? तू बताना किसको चाह रहा है? अगर तू मुझे बता रहा है भाई, मुझे तो मालूम है पहले से, और मुझे मालूम है भाई मैं रैंक्ड में ना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मैं न्यूक नहीं ला पाऊँगा, ना मैं सेंचुरी मार पाऊँगा, इसलिए भाई रैंक में ज़्यादा नहीं खेलता हूँ। और रैंक में भाई मेरा फ़ोन भी बहुत लैग करता है, और वहाँ पे भाई प्लेयर भी बहुत कैड़े कैड़े प्लेयर आते हैं, मेरे को मालूम है ये सब बातें। और मैं ट्राई भाई, मेरे को जब टाइम मिलता है ना मैं रैंक में भी ट्राई करता हूँ न्यूक लेने की, लेकिन इसमें आ जाता है तो इसकी वीडियो बना के डाल देता हूँ। अब यहाँ तक ठीक था भाई, अब ये एक और नमूना आया, कह रहा है कि भाई मोबाइल ट्रैश है, तू असली कॉर्ड खेल के पता क्या, असली कॉर्ड मतलब जो पीसी पे चलता है। तो भाई एक बात सुन ले कि भाई हर जगह हगना छोड़ दे, अगर तू ना उसकी सफाई नहीं कर सकता तो भाई तू बोल के तो चला गया। तो भाई एक काम करना, मुझे तू पीसी दिला तो दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि भाई गेम प्ले क्या होता है। उसके बाद भाई मैंने इसे कमेंट में भी यही बोला कि भाई तू मुझे प्रोवाइड कर दे, मैं भी खेलना चाहता हूँ वो गेम। बाद भाई हमारे जैक भाई ने भी इसे बोला कि भाई कि तू बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ के इतना हगने की ज़रूरत नहीं है, अगर तू अप्रिशिएट नहीं कर सकता तो गेम प्ले को। उसके बाद भाई कमेंट करता कि भाई इसका मतलब कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं करके इसने कमेंट किया, तो भाई तुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए ना, तो भाई मुझे भी होनी चाहिए। भाई एक बात बताऊँ, तू बहुत बड़ा गंडिया है, तेरी भाषा में बोले तो एसहोल है ना। अब अगर तुझे इज्जत की परवाह है, तेरी गाइंड में ज़रा सा भी दम है ना, तो ज़रा हमें गेम दिला देना यार, हम भी खेल लेंगे, नहीं तो ये समझ लेंगे कि फटी गाइंड तो भगी गाइंड जो कि तू है। और भी बहुत सारे कमेंट्स थे यार, टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे, मतलब कि यार जो जिनको कि रिप्लाई करने को मतलब बनता नहीं है, किसको भी बनता नहीं था, लेकिन ठीक है क्या पता ये हमें पीछे दिला दे, इसलिए मैंने कर दिया इज्जत के नाम पर। और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट थे, उन सबको भी यार अपने मन से जो जो गाली फेवरेट हो आपकी वो सब खा लेना इज्जत से, मतलब बराबर बराबर बांट लेना, मैं तो क्योंकि अब सबको रिप्लाई करूँगा नहीं। और भाई जितने भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई, उन सबको भाई बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या बोलूँ, मैं इन सबको देख के जितना दिन ख़राब होता है ना आप सबके कमेंट देख के, उतना दिन मेरा बन जाता है यार। और ख़ास कर जब सुबह उठ के मैं चेक करता हूँ ना कमेंट्स, तो भाई मज़ा आ जाता है, कसम से भाई मज़ा आ जाता है, मज़ा आया। तो यार गाइस बस इतना ही बोलना था मेरे को, और वैसे ये कमेंट्स मेरे को मेंशन करना नहीं था, लेकिन यार वीडियो सुनी सुनी हो जाती, सिर्फ शुरू में वॉइस हो जाती, इसलिए मैंने कमेंट भी थोड़े बहुत मेंशन कर दिए। ठीक है, और बाकी यार वीडियो एंजॉय करो गाइस। अभी जैक को पेलते हैं, ये देखो ये खड़ा है वहाँ पे, गन चेंज कर रहा है, ये लिया है शॉर्ट सारे पे। अभी देखना पड़ेगा भाई, मेरे ख्याल से मेरे को ब्लाइट ब्लिंक को ये येलो कलर की जो अलर्ट होता है मेरे को, वो रहा सामने। इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, मैंने उसको देख लिया, उसको पता नहीं है ये पट से हेडशॉट, मतलब हेडशॉट नहीं था लेकिन मन था, हेडशॉट बोलने की आदत है, डायनामो को दिक्कत आना। मैं पहले जब पबजी खेलता था, पबजी खेलना बंद कर दिया यार, मेरा मेरा बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है वो, नहीं तो मैं पबजी भी खेल लेता। और अब क्या, अब तो पबजी चलाया भी नहीं जाता है उसका भाई, गन का रिकॉइल कंट्रोल ही अलग है, मूवमेंट कुछ समझ ही नहीं आता भाई अब तो उसका।
जो बैन होने के बाद भाई क्या शॉर्ट लिया भाई, इसे कहते हैं क्विक स्कोप यार। गलती से कभी कभी आ जाता है ना, तो मैं मॉन्टेज वॉन्टेज बना देता हूँ ये क्विक स्कोप के, तो यार थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया करो यार भाई लोग प्लीज। ओ भाई क्या पहला है जैक भाई, हिप फायर में मारा, शॉर्ट लेके आ रहा था भगता हुआ। हंसते भाई भाई बहुत अच्छा शॉर्ट मिला इसको, ये यहाँ भी फैलाएगा भाई, ये फैलाया। मरेगा बेटे तू तो, तू तो कर ले कितनी हरकतें करनी है देखो, तू भले ही प्रो होगा लेकिन मैं तेरे को पहलूंगा। मेरे को अंदर से तेरी शॉर्ट की आवाज़ आ गई थी, अभी रुक जा तेरे को यहाँ भी पहलूंगा। अरे अरे फकअप हो रहे हैं फिर यार, कंट्रोल फकअप हो जाते हैं। ये ले, ये था कुछ स्कोप, आया मज़ा भाई। मैं सीख रहा हूँ अभी कुछ स्कोप, तो यार मैं बता रहा हूँ अभी मैं सीख रहा हूँ ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचने लग जाओ कि भाई तू तो नूब है, ये है वो है। भाई हिप फायर हेडशॉट देखा, मज़ा आया, बस सीखते सीखते आ जाएगा ना। अभी भाई एक साल भी नहीं हुआ मेरे को तो सीओडी खेलते हुए। चुप चुप धीरे, हाँ ये धीरे से शॉट लेना पड़ता है भाई। ये जैक बड़ा कमीना इंसान है, हार्ट स्कोप करके बैठा रहता है भाई, जहाँ देखते हैं मतलब फट से हेडशॉट मार देता है वो तो भाई। ये देखो धीरे से आके इसने भी मार दिया। अभी रुक बेटा तू पहला आएगा, रुक 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 अभी तेरे को पहलता हूँ। कहाँ कहाँ गया ये ले, अरे यार हट, तू तो पहलाएगा तू रुक जा। ये ले आया मज़ा, स्वाद आ गया यार। मैं चाकू लेके घूम रहा था, अब मेरे को है ना मेरा अलर्ट आ गया, मेरे को येलो कलर की स्क्रीन थोड़ी आ गई थी। अब मैं घूम के जाऊँगा इसको पेल लूँगा, देखो कैसे। ये दिखा नहीं पता, थोड़ा दूरी बना के रखे मैं तो, ये एक बार नहीं ले ले। ये देखो ऐसे पेलते हैं इन लोगों को यार, ये जो ज़्यादा प्रो होते हैं ना इनको धीरे से पेलना पड़ता है। हाँ और फिर ये थोड़ा शोर मचा के हमें पेल देते हैं ठीक है। वो देखो हार्ट पॉइंट कैप्चर कर रहा है भाई, इसको तो नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। ये ले भाई तूने चीटिंग करी है, लेकिन चीटिंग है भाई, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे चीटिंग करेगा तो। देखना कैसे धीरे से झांक के देखता है, बिल्कुल कॉपी करता है यार मेरे को, ये कॉपी करता है प्रो ब्रो नहीं, कॉपी करता है चीटर। देख लिया मैंने इसको अंदर जाते हुए, इसको जाके फेलता हूँ, रुको मतलब कोशिश करता हूँ फेलने की। बाकी आपको पता ही है प्रो तो हमारा जैक ही है। ये आया मज़ा, स्वाद आया जैक भाई, कमेंट करके बताना मुझे, पता तो वीडियो तो देखेगा ही। ये तो गलत हो गया ना यार भाई, यार इसने क्या बोले भाई, अब क्या बोल सकते हो आप, दोस्त अपना क्लैन मेट है। वो देखो ये जीज़ ब्रो जीज़ मज़ा आता है, कितना खुश हो रहा है फूल बना तो रहा है क्या पिछवाड़े में, कितना खुश हो रहा है भाई। तूने चीटिंग की है, तूने हार्ट पॉइंट कैप्चर किया है। किल देखना भाई आप किल देख लो, किल मेरे ज्यादा है ठीक है, मेरे 33 किल हैं। अगर आप इसमें से 4-5 हटा दो, मैंने शुरू में भी लिए थे उसके बाद भी 26 से ज्यादा ही किल लिए मैंने ठीक है भाई, जीत में रहा हूँ। हाँ भाई वो डिफीट को मत देखो आप। तो यार गाइस आज के लिए तो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और यार फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।